हेलो जी सारे सत श्री अकाल साढ़े यूट्यूब चैनल पर ता बहुत ज़्यादा स्वागत है जी जतेंद्र एंड मैं दीप गिल से। सो अज असी गल कर रहे हैं ज्वेलरी के बारे, ज्वेलरी कलैक्शन के बारे गल करा कि मेरे को किमें एज है, किमें वेयर करती हूँ, कि ड्रैस ना किमें दे है ना। ज़्यादातर तो मैं बिल्कुल सूट वेयर करती हाँ, तो वो मैं सूटा नाल जो मेरी मैरिज हुई उदों ही मैं बॉक्स जोड़ा ही एडे वाला जोड़ा ही दो बॉक्स जोड़े ही लैके आई ही उदों ही, क्योंकि मैं पता नहीं कि सूटा के नाल मतलब मैं हैवी हैवी ज़्यादा जोड़े ही वो ज़्यादा सब तो ज़्यादा ले। सो अपना ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप शुरू करते हैं। सब तो पहला मेरे को ग्रीन सूट हों, मैं वेयर किए भी हुए शायद पहलिया वीडियो किए हुए ए वाले मेरे को एरियन से, पर जिदा ट्रेंडिंग के हिसाब से चलते हैं आप तो नवी भी कलैक्शन हैगी है, तो पुरानी कलैक्शन भी हैगी है। मैरिज तो बाद जी मेरे को कलैक्शन हैगी है, ये वाले ग्रीन से मेरे को, फिर मेरे को सब तो सोहना सैट से उदों वाला गोल्डन कलर का लिया सीगा मैं, फिर फ्रेंड की मैरिज सी उदो लिया सी मैं, ये आला वाला टिक्का सीगा या दोनों एरियस दे भी बहुत सोहने ज यदा मतलब यह हूँ कि गोल्डन के चीज़ होंगी कि आप किसी भी सूट के वेयर कर सकते हैं है ना। जे कि ड्रेस के नाल एक मेरे को जी ए वाले फिरोजी कलर के, मैं सारे सूटा नाल ही ज़्यादा लैनी हूँ है ना, ये ज़्यादा हैवी मैं पाने पसंद आ, तो मैं ये वाले हाँ जी। फिर नैक्सट मेरे को आ गई सी ग्रीन शेड आए सी ग्रीन सूट के नाल मैं वेयर किए सी, ये वाले ईयरिंग्स भी मैं सोहने लगते हैं, डंडी चुमकी मैं ज़्यादा पाँनी हाँ, तो ये वाले मेरे को ईयरिंग्स आ। फिर मेरे को आ गए मूंगिया शेड के, ए वाले टिक्का सैट भी आ, तो आ वाला कलर आ मेरे को मूंगिया कलर का पर्पल, मैं एक ही ब्लॉग में मैं कंप्लीट करूँगी। एक मेरे को पर्पल शेड द ये टिक्का ही है, उदों ना टिक्के का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड सीगा जो मैं ले मैरिज तो बाद है ना, ये सॉरी मैरिज तो पहले मैं लैके आई सारे सूट जिन्हें मेरे सूट से उन्होंने सारे दे मैं मैचिंग करके लैके आई सी। ए वाला कलर आ मेरे को है ना, एक मेरे को हैगी है पीच कलर, ए मेरे जी सब तो ज़्यादा हैवी एरियंस आ, इन्ह के नाल नैकलस भी हैगा शाइंड हाँ, इन्हों टिक्का ये भी हैगा है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये मैं दो तीन बार वेयर कर चुकी हूँ वाले, तो सोहने आ। ये मैं शगन वाले सूट से ले बाद इन्होंने कहा कि शगन के सूट जो नहीं पाना ड्रैस पानी है, तो उस तो बाद चेंज करते थे, फिर मैं उदा कि फंक्शन पर पाए। एक मेरे को वालियाँ है, वालियाँ जी मैं सब तो सोहनिया लगती हैं, वालियाँ ये होंगे कि आप किसी भी सूट के नाल वेयर कर सकते हैं। मेरे को एरियंस इन्ने ज़्यादा कि मेरे को निकलने बड़े मुश्किल हो वालियाँ, मेरे तो आ वाली वालियाँ जी हर एक सूट के नाल पै भी जाएँ जिन्ना मर्जी तुम पा सकते हो, क्योंकि कलरफुल होंगे ना, तो ये वाली वालियाँ मेरे बहुत पसंद थी, ये भी मैरिज से ही मैं लिया सी अपने सूट न। हाँ जी आ मेरे को बहुत हैवी एयरिंग्स आ, ये ड्रैस के नाल मैं वेयर किए थे, तो ड्रैस ना पाए सोहने लगते उदा तो बहुत ज़्यादा हैवी है इदा वाले आ एयरिंग्स, तो ए वाले जेडे आ ये भी मेरी ब्लू सूट से नाल मैं ले भी काफ़ी ज़्यादा हैवी आ, मैं हैवी एयरिंग्स जेडे सोहने लगते जिदा पार्टी फंक्शन होंगे उदो मैं ज़्यादा हैवी पाँनी। हूँ आप थोड़ी थोड़ी चेंज करके हम नवी कलैक्शन पर आ जाने, इस टाइम की जो मैं थोड़े थोड़े टाइम से वेयर किया कुछ उन्होंने मेरे को सब तो सोहनिया आई वालियाँ डंडी चुमकी वाली वालियाँ, तो ये वाले कलर का मेरे को सूट नहीं है पर मेरा दिल करता पे कि मैं वालियाँ जी वेयर करा, सो मैं ये करके हूँ सूट बनाया बड़ी जल्दी ही वीडियो में लैके आऊँगी। कलर का सूट स्टिच होया आ बट पाया नहीं आ, बस आप रखड़ी पर पावे ठीक है। ए वाले वालियाँ मैंने बहुत सोहनिया लगे, एक तो छोटिया भी होंगे है ना, तो एक हर एक ये मैं ना आनंदपुर साहब गई उदो मैं तीन चार पाँच जोड़े ले सके, दो तो मैं मम्मी को ले सके अपनी को, तो एक ये वालियाँ मेरे को है जी पिंक कलर दियाँ, तो ये दो जोड़े मैंने मम्मा ने लैके दिए थे, तो एक दीदी नाल गई उन्होंने लैके दिता सी, तो एक जड़ा ही मैं खुद आप लिया सी। एक मेरे को आ कलर का आ डिफरेंट कलर जहा ही बड़े मुश्किल मिले ही, मैं आइडिया मार्केट बस स्टैंड तो लैके ही मेरा सूट ही सीगा उहदे नाल, पर हुण मेरा काफ़ी सूटा चल गया दोनों चल गया, तीजा मैं वेयर करना वो भी स्टिच हो गया उहदे नाल भी चल जाना। पहला मैंने यही हुंदा मैं सूट कोई भी बनानी मैंने हुंदा कि मेरे एयरिंग जिहड़े मैच हैगे, फिर जो मैचिंग होवे फिर मैं पाउंदी नहीं, जे नहीं तो फिर मैं लिया के सूटा के नाल फिर ही पाउंदी नहीं, मैं गोल्ड के जिहड़े आ इन्ने नहीं वधिया लगदे, तो जिहड़ा मैं हुण सी ग्रीन आ फ्रॉक पाई हुई ग्रीन कलर की उहदे नाल जिहड़े तुसीं एयरिंग्स कहिंदे पए सी ओह आ वाले एयरिंग्स आ, ये एयरिंग्स जिहड़े ही मेरे मम्मा लिया के दित्ते पता नहीं मैनू शायद हजूर साहब तो पता नहीं आनंदपुर साहब तो उत्थों दे आ एयरिंग्स, इतों नहीं ले पर ब्लैक बिल्कुल नहीं हुए काफ़ी टाइम दे मेरे को, जो मैंने कुछ नहीं लगता पाउण वास्ते कोई मैचिंग नहीं होंगी उदो मेरे को आए वाले बेचारे काम आए हैं सोहने लगते हैं, ये नॉर्मल है जो ठीक है लाइट वेट है भी ना।
हाँ जी आह वाले ईयरिंग जड़े ही इन्हों ने मैंने लिया के दिए से आनंदपुर गए से अपने फ्रेंड के नाल तो मैं उन्होंने बोलिया मेरे वास्ते ईयरिंग्स लैके आओ कहते जे मेरे कोई फ्रेंड लैन गए ना तो फिर तो जरूर लैके आओ जो किसी ने लाए फिर नहीं मैं लैके आने पता नहीं किन्ने बेचारे ने कहा कि मैं अपनी वोटी वास्ते लैने फिर इन्होंने भी लैके सारे जने लैके आए फिर इन्होंने आह लैके सोने से ये भी मैं वेयर किए हुए ड्रैस के नाल से मेरे वो मैं वेयर किए आ तो आह वाले जो गर्मिया के मैं छोटे छोटे जो ईयरिंग्स होंगे सूटों नाल मैचिंग ये भी डंडी चुपकी टाइप भी होंगे है ना इदा के जी कलरफुल मैं लैनी होनी सूटों के नाल मैचिंग कर करके तो जो हूँ मैं थोड़े टाइम पहला मेकअप वाली वीडियो बनाई उसे पूछा तो ईयरिंग वाले आह वाले से ऑरेंज कलर के चुपकी टाइप मैंने सोहना लगते पर हैवी बहुत आ लाइट वेट नहीं आ यदा वेट काफ़ी आ ज़्यादा ही हैवी आ वे सो हूँ आप शुरुआत करते हैं नैकलैस की नैकलैस कुछ तो मेरे को कुछ इदा कोई लै ला पाने वास्ते उदा आ एक मेरे को मेहरून कलर का ए वाला आ सूट नाल भी सोहना लगता पाया हाँ जी ए वाला कलर का ये छोटे छोटे ईयरिंग्स आ मैं सर्दियों से लैनी नैकलैस क्योंकि उदो पार्टी फंक्शन कोई ना कोई आ जाता हर वे ट्रेंड चेंज हों वाली वेद ईयरिंग्स आ वाला सी मेरे को एक आ नैकलैस तो काफ़ी वीडियो से देखा होना मेरे को पाया भी ए वाला आ हाँ ए वाला आदा ये फायदा है कि आप कलरफुल आए किसी भी सूट के नाल वेयर कर सकते हैं ये डिक्का सीगा ते एरिंग सी एरिंग ये छोटे सीगे हाँ जी आ सैट मेरे को काफ़ी हैवी है मैं कल परसों वेयर किया सीगा ते ए वाला जेड़ा है जैलो कलर का है ये आ वाले एरिंग काफ़ी हैवी है वाला ए दोनों एरिंग ये मैं थोड़े दिन हो गए वीडियो पाई आ ते ए वाला मेरे को एक नैकलैस ये सॉरी नैकलैस नहीं है कला टिक्का ते एरिंग ही है ये एक मेरे को है ए वाला भी नैकलैस हैगा वाला नैकलैस जोड़ा आ भी मैं ब्लू कलर का आ ब्लू ड्रैस के नाल वेयर किया नहीं है जो मैं लगता मैं करना है शायद पिछली बार का लिया के रखे पर किया नहीं हो टाइम ही लगा फिर किस दिन करा ये वाला भी उदो पंजेबा का बड़ा ट्रेंड ही मैंने लगता है पंजेबा जीडिया होंगे उन्होंने ना आप चेंज कर करके पावे रैड सूट ना रैड कलर दया बड़े पैसे वेस्ट किए मैं उदों पता नहीं सी ना आवलियां पंजेबा से मेरे को रैड कलर दियाँ एक मेरे को प्री वैडिंग हुई थी जो साड़ी उदो मैं लिया देखो इन हैवी सी ये भी मैं लगता मैं एक दिन ही पाइया बाद पाइया ही नहीं है दोनों ये लिया ये भी नहीं अज तक पाइया उदों की उदा ही रखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी आ उदों ले गए पता नहीं लगा उदो आ हेयर एक्सेसरी है मेरे को जी कलरफुल भी है तो ए वाली गोल्डन शेड की भी है जी आप किसी भी सूट के नाल ला सकते हैं दो ट्रेंड होंगे ना काफ़ी ज़्यादा साइड पास उदो मैं ले सी गई हाँ जी एक मेरे को आ गई मतलब गोल्डन कलर द एरिंग्स ए भी जो मोरनी वाले आ भी सोहने ये भी मैं लगता मैं एक बार पाए आ मतलब पाए नहीं ए वाली भी हुण सर्दियां फिर आनियां सीजन शुरू हो जाने फिर आप कोई ना कुछ नवा लैके आवेंगे गिफ्ट किए थे दीदी ने उन्होंने पिंड मेला जो हों हर बार मैं लैके देंगे हर बार भेजते हैं वह भी बहुत उन्होंने पता होंगे कुड़ियों ने ईयरिंग्स ज़्यादा पसंद आते हैं ना सूट नाल जिदा मर्जी हो लाइट वेट बहुत ही ये उन्होंने मैंने भेजे है एक छोटे छोटिया मेरे को वाले ईयरिंग्स भी है जी मैं गर्मियों जिदा अपने है ना हम सर्दियों कॉटन के सूटों के नाल वेयर करने वास्ते आ वाले छोटे छोटे ईयरिंग्स आ मेरे को इन्हें मल्टी शेड हैगी पी शेड हैगी दोनों में रखी हुई हैं वाली शेडा हूँ मेरे को आ गई तुम अपन रिंग्स भी दिखा दी मैं वैसे ज़्यादा हूँ घट ली हाँ एक ब्लैक कलर की रखी है एक मैं ज़्यादा भारी आ वाली भी रखी है देखो किन कि हैवी ली है उदो ज़्यादा ही एक आखो कि हैवी है वाली सब तो सोहनी रिंग मैंने लगती आ वाली हूँ मैं रिंगा नहीं काफ़ी लेंदी नहीं है ना नीयर पॉलिश लगने वाली हुई मेरे इदा दिया मेरे को रिंगा भी आई तो ये ज़्यादा नहीं मैं लगता थोड़ी रह गई वाली बाकी अलग जोड़ी गई ये हाँ जी आ वाला कलर सीगा उदो ए वाले कलर के मैं कितने नहीं मिलते पे फिर मैं आ वाला कलर लेना पाया फिर मैं आ वाले जी पाए भी हुए किसी ड्रैस के नाल हाँ जी इदा करके आ वाले शेड है पीच कलर की है पीच कलर जो होंगे ना पिंक जी शेड वो वाली है वाली एयरिंग तो ये मैंने गुस्से होंगे कि तू इन्ने पैसे खर्चती रहनी हाँ कल ईयरिंग्सा तो मतलब थोड़े टाइम बाद ब्लैक जो होने हाई मैं केयर कर दी सारे इन्हों मैं किन्ना कुछ रखे लिफाफिया में पा पा के रख दी कि इन्हों कुछ भी काले कूले ना हो जाए कुछ छोटे छोटे जिदा ईयरिंग होंगे
ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲਰਫੁੱਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰੂਨ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵਾਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ 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 ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਆ ਮਜੰਟਾ ਕਲਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟਿੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਪਏ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਲੈਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਲੈਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਫੀ ਏਅਰਿੰਗ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੂਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਕਲੈਸ ਇਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਐਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਆ ਵੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਲਟੀ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਲਾਈਟ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਨੈਕਲੈਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੈਕਲੈਸ ਆ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਡਰੈਸ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਵਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਅਰਿੰਗਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਾਂਗੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਯਾਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਟ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਏਅਰਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਅਰਿੰਗਸ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ